चलो ओके okay. सो so, रिचा, रिचा मुझे नहीं लग रही है तो आप में से कोई भी नया है तो हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दो उसके साथ साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे टेलीग्राम और हमारे इंस्टाग्राम पे क्योंकि टेलीग्राम पे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहती है हर एक क्लास के लिए राइट इसके साथ ही अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन की मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो लिंक आपके सामने वहां पे दे रखा है यहाँ पे आपको फ्री ऑफ आप कॉस्ट मिलते हैं करंट अफेयर्स जॉब अलर्ट सब्जेक्ट वाइज क्विजेज जिनको आप अटेंड करके खुद को इवेलुएट कर सकते हो और ये सब्जेक्ट वाइज है कोई भी सब्जेक्ट में आप चूज कर सकते हो इसके साथ ही अड्डा ट्वेंटी की मोबाइल ऐप में एक और फीचर है और वो है कम्युनिटी का फीचर सो so, यहां पे आप देख सकते हो एग्रीकल्चर बाय प्रतिभा मैम ठीक है uh, तो जैसे ही आप अटर ट्वेंटी फोर सेवन के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेते हो तो यहां पे ऑप्शन आता है यहां पे आपको एग्रीकल्चर चूज करना है यहां पे डिफेंस वगैरह सब कुछ होगा आपको एग्रीकल्चर चूज करना है देन एक्सप्लोर ग्रुप जो ग्रुप्स होते हैं उनको एक्सप्लोर करना है वहां पर आपको एग्रीकल्चर बाय प्रतिभा मैम मिल जाएगा uh, यहां पर जो है 呃。Uh. ओके वेट वेट अ मिनट यहाँ पर जो है आपके जो डेली टारगेट्स हैं जैसे कि यहाँ पे श्वेता ने किया हुआ है शी इज़ माई स्टूडेंट फ्रॉम एफ एस यू पेड बैच तो यहाँ पे जो असाइनमेंट है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी कि कैसे लोग तैयारी कर रहे हैं कैसे लोग मेहनत कर रहे हैं और आपको कितनी मेहनत और करने की ज़रूरत है इसके साथ ही कोई मॉक टेस्ट होते हैं तो उसका लिंक भी आपको फ्री मॉक टेस्ट का यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है तो जल्दी से आप अटर ट्वेंटी फोर सेवन के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए अच्छा अगर आप लिंक से करते हो ना डाउनलोड तो आपको कुछ क्वाइंस मिलते हैं वो क्वाइंस आप यूज कर सकते हो हमारे किसी भी बैच में एनरोल करने के लिए या कोई भी टेस्ट सीरीज को परचेज करने के लिए और अभी एटी परसेंट ऑफ है क्योंकि जून जो है वो खत्म हो रहा है आज लास्ट डे है जून का सो so, अलविदा जून इस मंथ के सिलेक्शन uh, के साथ जो है टू वैलिडिटी यानी दो साल तक बारह प्लस बारह मंथस टू ईयर्स तक आपको वैलिडिटी मिलेगी उस कोर्स की और एटी ऑफ भी मिलेगा विद कूपन कोड वाई सेवन एट वन वाई डिस्काउंट ठीक है चलो अब सेशन को शुरू कर लेते हैं हम चल जा मैम का जुनून आ रहा है है ना संडे को ग्यारह बजे देख लेना मैराथन है प्लांट पैथोलॉजी और एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन इसमें रहेंगे ओके अब आप ये क्वेश्चन देखो तब तक मैं आदा का क्वेश्चन देखती हूँ मैम एक जो हम लोग पेडी के सीट परचेज करते हैं प्लांटिंग के लिए अगर सीड रेस्ट बच गई है तो इसका कैसे यूज़ करें बिकॉज हम लोग उसको कहाँ यू कहीं यूज़ नहीं कर सकते वो केमिकली ट्रीटेड होते हैं पैडी के सीड परचेज़ करते हैं और वो बच गए हैं बाकी के सीड्स बच गए केमिकली ट्रीटेड होते हैं हाँ और दूसरा है कि उसमें आपकी सेग्रीगेशन भी हो जाती है अगर वो हाइब्रिड सीड्स हैं ठीक है तो आपको उसी में परचेज़ करने चाहिए थे और उसी में लगाने चाहिए थे तो उसका यूज़ तो आप ट्रायल के लिए कर सकते हो वैसे केमिकली ट्रीटेड का तो प्रॉब्लम नहीं है सेग्रीगेशन भी उसमें आ जाती है ठीक है ओके uh, okay, चलो 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 सेशन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीन इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एडवोकेट्स इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है नो यूज ऑफ सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स क्या इस अप्रोच में सिंथेटिक पेस्टिसाइड का बिल्कुल यूज नहीं किया जाता मोर यूज ऑफ सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स जो सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स होते हैं उनका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है या नीड बेस्ड यूज ऑफ सिंथेटिक पेस्टिसाइड या जरूरत के अनुसार जो है सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है सो so, वेरी नाइस nice. निहारिका आस्था लीजा शिवी दामिनी दिशा अनुप योगेंद्र जगदीश यूनिवर्स यूनिवर्स सुष्मिता शिवानी ओके, सो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है पहले बहुत ज्यादा इनडिसक्रिमिनेट यूज होता था अंधाधुंध यूज होता था केमिकल्स का जिसकी वजह से कुछ पेस्ट में जो है रेजिस्टेंस भी आ गई उसकी वजह से इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में आपका बायोलॉजिकल प्लस कल्चरल प्लस उसके बाद आपका मकैनिकल फिजिकल और उसके साथ साथ केमिकल भी यूज होता है लेकिन केमिकल हमें नीड के हिसाब से सबसे लास्ट में करना है ताकि जो है अंधाधुंध यूज जो है वो बच सके आपके पेस्टिसाइड्स का द राइट आंसर इज सी वेरी नाइस मैम ये सारे क्वेश्चन प्लीज लास्ट में पूछना अभी हम क्वेश्चन कर लेते हैं ना लास्ट के फाइव मिनट्स में पूछना ये क्वेश्चन ठीक है चलो रॉयल जेली कंटेन रॉयल जेली जो है उसमें क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं क्या उसमें लिपो होती है क्या उसमें ग्लिसराइड और फ्री फैटी एसिड होते हैं क्या उस रॉयल जेली में शुगर्स अमाइनो एसिड्स और मिनरल्स होते हैं या ये सारी ही चीजें रॉयल जेली में पाई जाती हैं ओके okay. सो so, शिवानी का मैसेज मैंने पढ़ लिया है आप दे सकते हो बेटा प्राइवेट कॉलेज से भी अगर आप हो आपने बीएससी कर रखी है तो आप एएफओ के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो आप एग्जाम दे सकते हो यहां पर हंसा का आ, नहीं हंसा का तो गलत हो गया सुनील का आंसर सही है आद्या का आंसर सही है लीजा का आंसर सही है द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अव ठीक है एमाइनो एसिड से ही आपकी प्रोटीन बनती है और फैटी एसिड्स देखो मैं आपको बताती हूँ जो लिपिड्स होते हैं ना आपके लिपिड्स जब वो हाइड्रोलाइज होते हैं जब वो टूटते हैं तो वो बनाते हैं फैटी एसिड्स फैटी एसिड्स कहां से आते हैं बेटा फैटी एसिड्स लिपिड से ही आते हैं जो आप अपना मोनो अनसेचुरेटेड और पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स पढ़ते हो वो लिपिड्स के ही ब्रेकडाउन से आपको मिलते हैं ठीक है और एमाइनो एसिड आपका प्रोटीन बनाता है जब लिपिड्स और प्रोटीन आपस में मिल जाते हैं तो वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को लिपो बोला जाता है तो रॉयल जेली में ये सारी चीजें जो है वो बिल्कुल अवेलेबल होती है ठीक है चलो आ, uh... विवेक बिल्कुल आपको हिंदी में भी मैं एक्सप्लेन करूंगी ठीक है यहां पर देखो द लेवल एट विच कंट्रोल मेजर्स शुड बी इनिशिएटेड अगेंस्ट इज कॉल्ड एज एक ऐसा टाइम आता है जब आपको पेस्टिसाइड्स का यूज करना पड़ता है है ना आपके पेस्ट का अटैक इतना ज्यादा हो जाता है फसलों में कि आपको पेस्टिसाइड कुछ एक्शन लेना पड़ता है उस लेवल को उस टाइम को उस पॉइंट को क्या बोला जाता है इकोनॉमिक इंजरी लेवल इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल जर्नल इक्वलीब्रियम लेवल या डैमेज लेवल ओके वेरी नाइस शिवी सुनील निहारिका ओके द राइट आंसर हियर इज इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल और इसी को आप एक्शन लेवल भी बोल सकते हो एक्शन लेवल ठीक है इकोनॉमिक मतलब जहां पर भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हो ना जहां पर भी इकोनॉमी मतलब पैसा खर्च हो रहा है कुछ पैसे की लेन देन की बात हो रही है तो थ्रेशोल्ड मतलब आपका एक वो पॉइंट पहुंच चुका है कि इससे आधा नहीं सहा जाएगा भाई बहुत हो गया है ना एंड लेवल इज लाइक वो पॉइंट आपका आ चुका है है ना सो so, देखो आपको कोई आप जा रहे हो है ना आपको हल्का सा धक्का लग गया है ना किसी का तो आप वो बोलेगा सॉरी सॉरी हम बोलेंगे इट्स 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 ओके 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 आप कोई एक्शन नहीं लोगे ना उसके खिलाफ लेकिन कोई आएगा और आपकी धुलाई कर देगा आपको चपेड़ों पे चपेड़े थप्पड़ घूसे लाते सब कुछ मारेगा तो आप तो उसके खिलाफ एक्शन लोगे या तो आप गांधीगिरी छोड़ के खुद लड़ने लग जाओगे अगर आपके पास वो शक्ति होगी या तो आप फिर पुलिस कंप्लेन करोगे है ना तो यहां पर भी जब तक कोई पेस्ट उतनी हानि नहीं पहुंचा रहा है कि आपको कोई एक्शन लेने की जरूरत पड़े तो कोई चक्कर नहीं है लेकिन जब आपको एक्शन लेना पड़े मतलब मार्केट जाके पैसे खर्च करके पेस्टिसाइड लाने पड़े वो लेवल होता है आपका इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल और एक्शन ले रहे हो आप तो उसी को एक्शन लेवल भी बोल दिया जाता है क्लियर हो गया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इंसेक्टीसाइड दैट इज इफेक्टिव अगेंस्ट टर्माइट्स जो टर्माइट्स होती है ना वो भी सोशल इंसेक्ट्स होती हैं है ना बिल्कुल जैसे होते हैं ना सोसाइटी में रहते हैं लोग एक क्वीन होती है एक किंग होता है वर्कर्स होते हैं सोल्जर्स होते हैं तो ये सारी कॉलोनीज जो हैं वो टर्माइट्स में भी होती हैं और हनी बी में भी होती हैं ठीक है कौन है ये गोली मार देंगे वाला हाँ बंदूक है तुम्हारे पास है गन चलो अच्छा तो मेरी बात सुनो एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टर्माइट जो है वो आइसोप्टरा ऑर्डर से आता है ठीक है और दूसरा क्वेश्चन है कि ये भी सोशल इंसेक्ट्स होते हैं लेकिन गंदे वाले सोशल इंसेक्ट्स ठीक है ये हार्म कॉज करते हैं और इनमें से भी जो आपकी वर्कर्स होते हैं ना वो असली गुंडे होते हैं जो हार्म कॉज करते हैं हमारी फसलों को ठीक है ओके So, जल्दी से बता दो कि इन टर्माइ्स के लिए इन टर्माइ्स के सफाई के लिए हम क्या यूज करेंगे uh, करना है ओके okay. uh, योशिका छह बजे उड़ान की क्लासेस होती हैं आपकी यूट्यूब पे ही होती है लाइव उड़ान है ना मेरी क्लासेस छे बजे फोर्टी फाइव मिनट्स की वो रहती है और वहां पे मैं हर लेवल के क्वेश्चंस लेके आती हूँ तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो आज से ठीक है और उसकी पहले सिक्सटी सेवन क्लासेस हो चुकी है वो भी देख सकते हो प्लेलिस्ट में ओके okay. सो हियर द राइट आंसर इज थ्री यानी क्लोर और कहीं पे लिख लो नोटबुक्स पे ये दोनों ही टर्माइट्स के अगेंस्ट जो है वो यूज होती है ठीक है ये दोनों ही यूज होती है सो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीन इज ट्रेहा लॉस इन हीमोलिम्फ ऑफ इंसेक्ट इज बेसिकली अ जो ट्रेहा लॉस है होता क्या है ये लॉस क्या होता है बेटा इट इज अगर क्या होती है ये इट इज अगर और शुगर इज नथिंग बट एंड कार्बोहाइड्रेट ये तीनों एक ही चीजें होती है आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी ठीक है चाहे हम शुगर की बात करें चाहे हम सेकेराइड की बात करें या कार्बोहाइड्रेट की बात करें ये तीनों एक ही चीजें होती हैं। तो हीमोलिम्फ क्या होता है बेटा वट इज हीमोलिम्फ जो इंसेक्ट का ब्लड होता है उसको बोला जाता है हीमोलिम्फ ठीक है अब देखो मैं आपको यहां पर तीन डिफरेंट डिफरेंट आपको टर्म्स सिखाती हूं ओके जो मैं आपको उड़ान में सिखा चुकी हूं लेकिन आपको एक बार फिर से सिखाती हूं मैं देखो तीन चीजें होती है जिसमें कंफ्यूजन होता है फर्स्ट इज हीमोलिम्फ सेकेंड इज हीमोसाइट एंड थर्ड इज सील ठीक है ये सेम सेम चीजें होती हैं और ये तीनों ही चीजें आपके एंटोमोलॉजी में इंसेक्ट से रिलेटेड है तो यहां पर आपको क्या करना है पहला है हीमो लिंफ. पहला क्या है हीमोलिम्फ तो हीमो तो चलो हीमो ही है ये जो एल से लिम्फ है आपको पता है ना ब्लड को हिंदी में क्या बोलते हैं लहू है ना सुना होगा ना आपने लहू मु लग गया तो ये लहू वाला एल है तो याद रखना जहां पे लिम्फ आएगा एल से बोलना मैम ने कुछ तो बताया था कि ब्लड को लहू बोलते हैं तो ल से ही कुछ था तो लिम्फ जो लिम्फ है वो होता है इंसेक्ट का ब्लड इंसेक्ट का ब्लड ठीक है अब साइट ये जो साइट है ये कौन है सेल सी फॉर साइट और सी फॉर सेल तो जो आपके ब्लड सेल्स होते हैं इंसेक्ट्स के ब्लड सेल्स सी फॉर साइट सी फॉर सेल उनको बोला जाता है हीमोसाइट लास्ट में बचता है आपका हीमोसील तो बेटा जब आपको कैविटी हो जाती है ना दांतों में तो उस कैविटी क्या होता है छेद जैसा हो जाता है दांतों में है ना खाली हो जाता है अंदर से ठीक है तो उसको भरने के लिए आपको सील करना पड़ता है दांत क्या करना पड़ता है सीलिंग क्या होता है बिल्कुल सीलिंग मतलब सील कर दिया भर दिया यहां पर भी हीमोसील का मतलब होता है इंसेक्ट में एक बॉडी कैविटी होती है क्या होती है बॉडी कैविटी होती है वो बॉडी कैविटी जो है ब्लड से भरी हुई होती है तो हीमो रिलेटेड टू ब्लड एंड सील इज कैविटी ठीक है तो ये तीनों वर्ड्स जो है आपको ध्यान में रखने हैं ओके okay. यहां पर सही आंसर हो जाएगा नॉन रिड्यूसिंग डाय तो ट्रेहलॉस क्या होता है सबसे पहले डायसेखेराइड होता है और दूसरी चीज नॉन रिड्यूसिंग है ये नॉन रिड्यूसिंग का मतलब है ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता है रिड्यूस नहीं करता है आसानी से ओके okay? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग माउथ पार्ट आर फाउंड इन बग्स जो बग्स होते हैं हेमिप्ट्रा ऑर्डर में आते हैं ठीक है कौन से ऑर्डर में आते हैं बग्स हेमिप्ट्रा ऑर्डर में आते हैं उनके माउथ पार्ट कौन से वाले होते हैं शाबाश टेलमी यस इंसेक्ट की ब्लड शुगर जो होती है ट्रेहलॉस होती है और ये डायसेकराइड है बेसिकली ठीक है कार्बोहाइड्रेट ही है ये और जो इंसेक्ट की बॉडी वॉल होती है ना वो पॉलीसेड से बनी होती है और वो पॉलीसेराइड का नाम होता है काइटिन काइटिन क्या होता है एक होता है ओके वेरी नाइस द राइट आंसर इज टू हेयर ठीक है सही आंसर क्या है टू है जहां पे बाइटिंग एंड चूइंग टाइप किस में होता है बाइटिंग एंड चुईंग टाइप किस में होता है स्पॉन्जिंग टाइप किस में होता है मैंने आपको बता दिया है ये मैं आपको बता देती हूं तब तक ये लिखो चूइंग एंड लैपिंग टाइप हनी बी में होता है हनी बीज में होता है ठीक है और बाइटिंग और चुरी टाइप किसमें होता है जल्दी से बता दो Black. Black से होता है अरे शिवी चूइंग एंड बाइटिंग तो हनी भी नहीं होता है, एंड लैपिंग, होता है हनी भी। लैपिंग होता है चाटना तो हनी भी जो है वो नेक्टर्स को चाटती है लैपिंग करती है ना चूइंग एंड लैपिंग तो हनी भी का है चूइंग एंड बाइटिंग किसका है ग्रास हॉपर लोकस्ट इन सब का चूइंग एंड बाइटिंग है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेजर प्रोटीन फाउंड इन सिल्क इज सिल्क का क्वेश्चन पूछा था देखो सिल्क का क्वेश्चन आ गया कि सिल्क जो होता है आपका उसमें मेजर प्रोटीन कौन सी पाई जाती है फिब्रोनिन सेरिसिन मेलिटिन और बॉम्बिसिन अच्छा लेपिडोप्ट्रा नहीं होता सलोनी लेपिडॉप्ट्रा का तो क्या होता है सिफोनिंग होता है ठीक है जो लेपिडॉप्ट्रा होता है उसमें बटरफ्लाईज आती हैं लेपिडॉप्ट्रा इसमें आपकी बटरफ्लाइज आती हैं और बटरफ्लाइज एंड मॉथ और इनका जो माउथ पार्ट होता है वो सिफोनिंग होता है क्या होता है सिफोनिंग टाइप होता है ओके एंड बाइटिंग नहीं होता है चलो यहां पर राइट आंसर वन है फिब्रोनिन है वेरी नाइस राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड काउस डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट रेजिस्टेंस टू इंसेक्टिसाइड इनमें से कौन सी सिचुएशन ऐसी है जो इंसेक्ट के आ, को इंसेक्टिसाइड्स के टू वर्ड रजिस्ट कर देगी मतलब

रिपीटेड यूज ऑफ द सेम इंसेक्टिसाइड या मोर डोज ऑफ द इंसेक्टिसाइड अप्लाइड सो दोनों ही केस जो है आपके फेवरेबल है कि इंसेक्ट ढीट बन जाएगा और उसको पेस्टिसाइड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय डैश स्टेजेस ऑफ कैटरपिलर जो सिल्क है वो कौन सी स्टेज पे जो है प्रोड्यूस होता है क्या वो शुरू शुरू की अर्ली स्टेज में प्रोड्यूस होता है या ऑल किसी भी सभी स्टेजेस में प्रोड्यूस कर सकते हैं कोई चक्कर नहीं है मिडल बीच वाली स्टेज में हम प्रोड्यूस करते हैं कैटरपिलर की या लेट स्टेज पे करते हैं शाबाश जल्दी से बता दो जो सिल्क प्रोड्यूस करते हैं हम वो जो ऐसे चल रहे होते हैं तो वो कौन सी स्टेज होती है जल्दी से बता दो वो स्टेज होती है वेरी नाइस सुनील 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 मुझे यहां पे लग रहा है कि एंटोमोलॉजी uh, के बहुत ज्यादा फैन है ठीक है द राइट आंसर इज अर्ली स्टेज यस नो आइडिया ठीक है तुक्के नहीं लगाने यहाँ पे है ना चलो लगा लो कोई बात नहीं तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे तुक्के कितने गलत लगते हैं एग्जाम में नहीं लगाने हैं ठीक है थीके? तो अर्ली स्टेज पे हम सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं ओके बीपीएच ऑफ राइस ट्रांसमिट्स डैश डिजीजेस ठीक है ब्राउन प्लांट हॉपर बीपीएच क्या होता है जल्दी से आंसर करो ब्राउन प्लांट हॉपर जो है वो प्लांट हॉपर ये कौन सी डिजीज को जो है वो ट्रांसमिट करता है राइस रग्ड स्टंट राइस होजा ब्लेंसा राइस ग्रासी स्टंट ऑल ऑफ दीस नहीं नहीं कैटरपिलर की अर्ली स्टेज ओके चलो ओके okay, ओके okay. देखो फस गए सारे फस गए सारे मुझे, मुझे गाना याद आ रहा है फस गए सारे नजारे नजारे तुम नजारे हो अच्छा सुनो मेरी बात सुनो ढंग से पढ़ो ये तीनों ही नाम ग्रासी स्टंट वायरस के होते हैं ठीक है तो क्या सीख मिलती है तीनों के तीनों पढ़ने हैं जो सही लगे उसको कर नहीं देना है पहले देखना है कि क्या, क्या दूसरा भी इसका नाम हो सकता है कोई दूसरा सो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर ठीक है ऑल ऑफ द अव क्योंकि ग्रासी स्टंट वायरस जो ग्रासी स्टंट वायरस होता है उसी को ये सब नामों से जाना जाता है ठीक uh, okay. okay, okay. है चलो ओके 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 एफ ओ एस्पिरेंट है क्लियर भी किया था इन्होंने गुड 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 कोई बात नहीं इस बार हो जाएगा ऑल द बेस्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंसेक्ट विच यूजली हैज वन जनरेशन पर ईयर ठीक है इनमें से कौन सा इंसेक्ट ऐसा है जिसका एक ईयर में एक ही जनरेशन चलती है ठीक है ऐसा नहीं कि बार 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 साइकिल चल रही है एक साल में वो एक ही जनरेशन कंप्लीट करते हैं अपनी ठीक है जल्दी से बता दो व्हाइट ग्रब रेड हेयरी कैटरपिलर या ये दोनों ही एक ही जनरेशन करते हैं या नन ऑफ द अब शिवी बीपीएच का नाम बता रही है वेरी नाइस हा हा ओके वेरी नाइस थ्री इज द राइट आंसर व्हाइट ग्रब और रेड हेयरी कैटरपिलर दोनों का ही आपका क्या होता है वन जनरेशन पर ईयर होता है ठीक है अभी है विच इंसेक्टिसाइड इज कैपेबल ऑफ कंट्रोलिंग माइट्स अगर माइट्स को कंट्रोल करना है टर्माइट्स का तो आपने जान लिया क्लोर पाइरोफोस और इमिडाक्लोप्रिड है ना अब आपको किसको करना है माइट्स को कंट्रोल करना है है ना माइटिसाइड्स यूज करने हैं एकैरिसाइड्स यूज करने हैं तो कौन सा है एंडोसल्फान टॉक्साफेन, साइपरमेथ्रिन या मोनोक्रोटोफोस बता दो जल्दी बता दो कौन सा है जो माइट्स को कंट्रोल करता है ओके सलोनी का यहाँ पे आंसर आ गया ए एंड विच इज द राइट आंसर वेरी नाइस सलोनी योगेंद्र गलत हो गया गलत हो गया वन इज द राइट आंसर ठीक है ओके द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट अटैकिंग स्टोर्ड ग्रेन प्रोडक्ट इज अच्छा ये जो जितने भी दिए हैं ना सीटोट्रोगा सीरियलेला राइजोपर्था डोमिनिका सीटोफाइल ग्रेनेरियस और क्रिप्टोलेस्टस माइन्यूटस ये सब क्या है ये मेजर स्टोरेज पेस्ट है जैसे ये लेसर ग्रेन बोरर है है ना आ, तो उसमें से सबसे छोटा वाला जो है वो कौन सा होता है सबसे छोटा तुक्का लगा दो तुक्का अच्छा योगेंद्र साइबर मैथ्रीन से करता है नहीं सबसे ज्यादा कैपेबल कौन है एंडोसल्फान है ठीक है चलो आप मुझे नहीं लगता साइंटिफिक नेम आपको याद रहेगा तो बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्टोर्ड जो आपके पेस्ट होते हैं उसके ऊपर फोकस फोकस कराऊंगी कराऊंगी और उसके साइंटिफिक नेम पे फोकस यहां पर ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर दिस इज व्हाट दिस इज क्रिप्टोलेस्टिस माइन्यूटस माइन्यूट देखो माइन्यूट मतलब छोटू छोटा है ना तो यहां से ही पता चल रहा है, है ना तुक्का लगा लेना चाहिए तो तुम्हें चलो ओके okay? सो so, यहां पर आपका हो जाता है फोर आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीन इज मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ एक्वाटिक इज बहुत ही आसान सवाल है मैंने आपके यहां एक्टिक पे शॉर्ट वीडियो भी डाला था जल्दी से बता दो जरूर जरूर एक्सप्लेन किया जाएगा शैलेन्द्र स्टोरेज पेस्ट को पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा ठीक है वी डायग्राम में लेकर आऊंगी चलो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ एक्वाटिक इंसेक्ट इज कौन सा होता है क्या वो यूरिया है क्या वो यूरिक एसिड है क्या वो अमोनिया है या नन ऑफ द अव ऐसे ही किए हैं माइन्यूट का लगा दिया फोर गुड यस yes. यूरिक एसिड कौन लिख रहा है नहीं सुनील देखो गलत हो गया ना एक्वाटिक इंसेक्ट पूछा है ना ओवरऑल इंसेक्ट नहीं पूछे एक्वाटिक ए फॉर एक्वाटिक ए फॉर अमोनिया ठीक है कोई बात नहीं थोड़ा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं देखो रितिका ने भी यूरिक एसिड लिखा है बहुत लोगों ने यूरिक एसिड लिखा है यूरिक एसिड गलत जवाब है पूरा क्वेश्चन पढ़ो एक्वेटिक इंसेक्ट का मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पूछा है बेटा है ना एक्वेटिक का जो पानी में रहते हैं इट इज अमोनिया ए फॉर एक्वेटिक और ए फॉर एमोनिया जो यूरिक एसिड है वो जमीन पे रहने वाले यानी टेरेस्ट्रियल जो इंसेक्ट होते हैं अगर नॉर्मल सिर्फ इंसेक्ट लिखा होगा तब भी आप यूरिक एसिड लिख सकते हो ठीक है चलो अब क्या है ये दूसरा जो भी बाकी के होते हैं यूरिया होता है अच्छा अब मुझे बताओ कि ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ये निकलता कहाँ से है ऑर्गन क्या है मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन ये बता दो और इसी के साथ शायद मुझे याद नहीं रहता नहीं शायद नहीं अभी है एक और ओके विश ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ इंसेक्ट ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है बहुत इजी नोट पे हम खत्म करेंगे इस सेशन को तीन मिनट बचे हैं जल्दी से बता दो थ्री बॉडी सेगमेंट्स क्या ये गलत है सिक्स पेयर ऑफ लेग्स फोर विंग्स थ्री पेयर ऑफ लेग्स माल फीजियन वेरी नाइस हंसा जो मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो माल फीजियन है और मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो यूरिक एसिड है फॉर टेरिस्ट्रियल और एक्वाटिक के लिए अमोनिया है ठीक है ओके okay. अच्छा आपने कुछ भी नया सीखा हो इस सेशन से या अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में भी बताया करो क्योंकि फिर वो कमेंट्स पढ़ के ना मुझे ऐसी खुशी होती है मुझे लगता है और अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँ तुम्हारे लिए ठीक है तो कमेंट में बताया करो मुझे समृति बताती है सिर्फ कि मैम सेशन अच्छा था और कोई नहीं बताता भाग जाते हो बस क्वेश्चन करके चलो यस द राइट आंसर इज टू सिक्स लेग्स होती है सिक्स पेयर ऑफ लेग्स नहीं होती है है ना तो ये फोर 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 किसने लिखा है हाँ फोर किसने लिखा है अगर राजेश फोर लिखवाऊ आपसे मैं शिवी ने भी फोर लिखा शिवी भी फस गई गई ना शिवी भी इधर देखो सिक्स थोड़े ना होती है, है ना ये गलत है आंसर विंग्स विंग्स बिल्कुल होते हैं टू पेयर ऑफ विंग्स होते हैं फोर विंग्स होते हैं है ना थ्री पेयर ऑफ लेग्स होती है यार सिक्स लेग्स होती है बिल्कुल सही है सिक्स पेयर ऑफ लेग्स गलत है फंस गए ना यहां से यही सीख के जाओगे कि कैसे ऑप्शंस को पढ़ना है और टैकल करना है ठीक है चलो कितना आसान क्वेश्चन था फिर भी कितनों ने गलत किया ये देखो निहारिका वैसे वैसे ऐसे कर रही है तो एग्जाम में क्या फायदा ऐसे करने का फिर है ना चलो ओके okay, तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन इस नोट पे खत्म होता है अगर आपने कुछ सीखा हो तो कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा इसके साथ ही आपको हमसे प्रॉपर स्टडी प्लान के साथ जो है वो पढ़ाई करनी है ए एफ ओ की आ, या आपका आर ए की यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए की किसी भी बैच की तैयारी करनी है तो इस वक्त आपको एटी परसेंट ऑफ और दो साल के लिए वो कोर्स मिलेगा क्योंकि डबल वैलिडिटी आया हुआ है ठीक है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको कोड यूज करना है वाई सेवन एट वन ए वाई मतलब ये yes, मुझे कोर्स लेना है सात आठ एक सात और आठ में एक का डिफरेंस होता है ए इज फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट ओके सो जब भी एटी परसेंट ऑफ होता है uh, जैसे कि मैं यहां पे आपको बता दूं ये आरआरबी है जिसके लिए आप क्लास कर रहे हो आईबीपीएस आर आरबी एस ओ इसकी फीस सिक्सटीन थाउजेंड है बट अगर आप कोड यूज करते हो वाई सेवन एट वन तो आपको अभी एटी परसेंट ऑफ पे मिल जाएगा ये ऑलमोस्ट थ्री थाउजेंड समिंग का मिल जाएगा अभी हम चेक करेंगे ठीक है सो थ्री थाउजेंड में आपको ये कोर्स मिल रहा है देन अगर आप ए एफ ओ के लिए टारगेट कर रहे हो तो उसकी आ, फीस है ट्वेल्व थाउजेंड बट अगर आप कोड यूज करते हो वाई सेवन एट वन ए तो इस कोड के बाद आपको टू थाउजेंड समिंग का ये कोर्स ए एफ ओ का जो है अवेलेबल हो जाएगा ठीक है इसमें आपको सभी टीचर्स जो हैं सभी फैकल्टीज जो हैं वो प्रॉपर स्टडी प्लान के साथ सारे सब्जेक्ट्स करवाने वाले हैं ठीक है एजीटीए की क्लासेस अब आप लेंगी क्योंकि हमें प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स की क्लासेस देख ली हैं ओके uh, ओके okay, okay, हाँ मेरी क्लासेस चलने वाली हैं अभी मेरी क्लासेस ए में चल रही हैं लाइव एंटोमोलॉजी में पढ़ा रही हूँ है न uh, जब एडमिट कार्ड आएंगे तो आपको बता दिया जाएगा प्राइवेट कॉलेज से दे सकते हैं शिवानी अगर आप प्राइवेट कॉलेज से हो अगर आपने एग्रीकल्चर प्राइवेट कॉलेज से की है तो आप बिल्कुल दे सकते हो ए एफ का एग्जाम इसके साथ ही ये है एग्रीकल्चर महापैक आप में से कोई भी नया है तो ये एग्रीकल्चर महापैक एक वन टाइम सब्सक्रिप्शन है जैसे आप नेटफ्लिक्स का पूरे साल का एक बार ले लेते हो ना तो आपको ठीक ठाक पड़ जाता है तो वैसे ही एग्रीकल्चर महापैक एक वन टाइम सब्सक्रिप्शन है आप एक बार इसमें सब्सक्राइब करते हो तो ये सारे बैचेस जितने भी एग्रीकल्चर के ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स इसमें आपको एक ही सब्सक्रिप्शन से एनरोलमेंट मिल जाएगा क्योंकि अभी ये 80% परसेंट ऑफ पे है एग्रीकल्चर महापैक तो आपको सिक्स थाउजेंड थ्री नाइन नाइन में जो है ये मिल जाएगा विद कोड वाई सेवन एट वन ए इस कोड के साथ आपको 80% परसेंट ऑफ पे मिल जाएगा एएफओ एफसीआई एमपीआरएओ यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए स्टेट एमएससी एंट्रेंस ग्रिप को एडीओ जो भी ये आएंगे और आगे हम बैचेस लेके आएंगे वो सारे आपको मिलते रहेंगे अगर आप एग्रीकल्चर महापैक में एनरोल करते हो इसके साथ फ्री टेस्ट सीरीज आपको जितनी-जितनी हम बनाते जाएंगे आपको सारी मिलती जाएंगी अगले 2 साल तक ठीक है गवर्नमेंट कॉलेज से एमएससी कर सकते हैं मैम यस कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं इसके अलावा कोई भी डाउट हो मेरी कम्युनिटी पे आप पूछ लेना ठीक है और थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे बाय बाय